अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदी करता हूँ आपको बजीज चैनल पर। दोस्तों इतने पहले दिन मैं वीडियो नहीं बना सका, उससे भी पहले नहीं बनाई, लेकिन आज ईद का है दूसरा दिन और आज जो है सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हुई है, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन था और बारिश बहुत तेज़ हुई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मैं छत पर आया हूँ, अभी मैं अपनी कॉलोनी के नीचे नहीं हूँ, अभी मैं आया हूँ छत पर। तो अभी मैं आपको अपनी छत दिखाता हूँ और फिर नीचे चलते हैं, फिर नीचे भी आपको मैं अपनी कॉलोनी दिखाता हूँ और अपने बजीज दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ मैं। सर ये आप छत देख सकते हैं, गीली अभी भी हो रही है, तो धूप अभी आई है तो इसलिए थोड़ी सूख गई है, वरना अभी तक गीली हो रही थी, अभी पूरा यहाँ से गीला हो रहा है। और मैं आपको अपनी गली दिखाता हूँ, होता है ना एक्सट्रीम, उसमें पानी भरा हुआ बिल्कुल जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पूरी गली में नीचे पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें पूरी गली में पानी भरा हुआ है। तो हमारा जो नीचे कॉलोनी बनी हुई है उसमें बिना आज पानी आ गया था बहुत ज़्यादा, तो निकाल दिया है। और ये मैं अभी आपको इसलिए छत पे से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, सूख गया। तो मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ अपनी कॉलोनी, अगर नज़र आ जाए तो सही है, वरना फिर नीचे चलेंगे। तो दोस्तों मैं भी आपको अपनी कॉलोनी दिखाता हूँ, मैं नीचे आ गया हूँ और ये जब कॉलोनी में ना आप देख सकते हैं नीचे बहुत ज़्यादा पानी आया था, मतलब एक पूरी कॉलोनी भर गई थी, आप देख सकते हैं ऊपर से साइडों में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा पानी मटकियों के पीछे जो पानी आपको दिख रहा होगा ऊपर से रस रस के दीवार से पूरा जो है कॉलोनी में आया, कॉलोनी बहुत ज़्यादा पानी से भर गई थी। तो पानी निकाला है और जो है मैं आपको दिखाता हूँ, उसी बाजरे भी का पूरा गीला हो गया था। तो ये मैं आपको अभी कॉलोनी दिखा देता हूँ कि कैसी, ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये बाजरा भी पूरा ऐसा गीला हो गया, तो अभी नया बाजरा रखा है इसके अंदर। तो मैं आपको ये वाला केज भी दिखा देता हूँ, इसमें जो है मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ और इसके देखते हैं कि इसके बच्चे अब कितने बड़े हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत पहले हमने इसकी वीडियो बनाई थी और देखा था, तो अब देखते हैं। और यार ये बच्चा जो है अब ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ को या तो उसको आज़ाद कर दें, क्योंकि अब इसकी ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ करके देख ली ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको पहले इसकी वो दिखा देता हूँ, ब्रीडिंग प्रोग्रेस वो दिखा देता हूँ, जैसे ये फीमेल है इसकी, वो मेल बैठा हुआ है। तो अभी इसको मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह इस बार इसने जो है चार बच्चे निकाले हैं, क्योंकि वैसे हर बार ये पांच निकालती थी लेकिन इस बार इसने चार निकाले हैं, एक बच्चा बहुत छोटा था तो शायद मर गया है। तो अभी मैं इसको आपको अंदर से सही से दिखाता हूँ और फिर देखते हैं इसके टोटल कितने बच्चे हैं। यार अभी मुझे इसमें दिख रहे हैं चार बच्चे हैं, एक ये रहा और तीन ये रहे, तीन चार और दो, माशाल्लाह से इस बार इसने दोस्तों रेडा ही निकाले, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।